नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज 17 अगस्त 2023 को आइए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। अगर हम इस वाले चित्र में देखेंगे तो ये हमें पिछले 24 घंटे में जो रेनफॉल हुई है, जो वर्षा हुई है, उसके बारे में बता रहा है। आप देखेंगे जो ये ऑरेंज कलर है, ये हमें दिखा रहा है जहाँ हैवी रेन से वेरी हैवी रेनफॉल हुआ है बिहार में, और जो बाकी येलो कलर है वो दिखा रहा है हैवी रेनफॉल यानी 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 11 सेंटीमीटर से कम हुआ। इसमें उत्तराखंड है, ईस्ट यूपी है, और झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और मेघालय में हैवी रेनफॉल हुआ। यहाँ आप देखेंगे कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, जैसे बिहार में जो मैक्सिमम रेनफॉल 12 सेंटीमीटर है, उड़ीसा में 11 सेंटीमीटर है, झारखंड में 8 सेंटीमीटर है, मेघालय और उत्तराखंड में 7 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिली है। और मैं अब हाईलाइट की बात करूँ तो एक लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब क्षेत्र बनने वाला है नॉर्थ वेस्ट बे में अगले 12 घंटे में, जिसके कारण जो रेनफॉल एक्टिविटी है ईस्ट इंडिया और उससे जुड़े हुए सेंट्रल इंडिया पे अगले 17 से 19 तारीख तक रहने की संभावना है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो एक्टिविटी रहेगी वो 17 से 21 तारीख के बीच में रहने की संभावना है, और बाकी कंट्री में जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो सबड्यूड यानी कम ही देखने को मिलेगी पूरे अगले 4-5 दिनों में। अब मैं आज के अगर मौसम प्रणाली की बात करूं सिनोप्टिक सिस्टम की, तो आप देखेंगे कि जो हमारा मानसून ट्रफ है वो अपने वेस्ट एंड जो है अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है, जो फुटहिल्स हिमालय पर चल रहा है, लेकिन जो ईस्ट एंड है या पूर्वी हिस्सा है वो बाराबंकी से शुरू होते हुए नॉर्थ वेस्ट वे बंगाल तक जा रहा है। और जो कल एक साइक्लोन सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट सेंट्रल वे बंगाल पर था, वो आज सुबह नॉर्थ वेस्ट वे बंगाल पर है और 0.9 से लेकर 7.6 तक है, जिसके कारण एक लो प्रेशर, इसके इन्फ्लुएंस में एक लो प्रेशर एरिया 12 घंटे में बनने की संभावना है। और जो मानसून ट्रफ, सॉरी, जो WD है वो ट्रफ के तौर पे पाकिस्तान के ऊपर देखा जा सकता है। और आप यहाँ देखेंगे बादलों के मूवमेंट में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ के क्षेत्र में जो ये लो बनने की संभावना है, जो साइक्लोन सर्कुलेशन है उसके कारण देखिए पूरा ईस्ट इंडिया और उससे जुड़े हुए सेंट्रल इंडिया में क्लाउड है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जिसके कारण अच्छी रेनफॉल होने को मिल देखने को मिल सकती है। अब मैं अगर चेतावनी की बात करूँ यानी भारी वर्षा की चेतावनी की बात करूँ, तो आप देखेंगे कि पूरा जो हमारा ईस्ट इंडिया है लगभग हर सब डिवीज़न या स्टेट में रेनफॉल देखने को मिलेगी अगले 24 घंटे में। और मैं स्पेशली उड़ीसा की बात करूं तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है यानी 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा, लेकिन एक दो स्थान पर बाकी हैवी टू वेरी हैवी यानी 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 20 सेंटीमीटर से रेनफॉल देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ जो से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जैसे बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कोस्टल आंध्र प्रदेश है, और इसी के साथ साथ बिहार है और ईस्ट यूपी में हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अगले 24 घंटे में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। अगर मैं यानी कल की बात करूं यानी 18 तारीख की बात करूं, तो आप देखेंगे कि जो लो प्रेशर एरिया है या वो उसका जो मूवमेंट है वो वेस्टवर्ड होगा, तो उसके कारण आप देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, और उससे जुड़े हुए जो हिस्से हैं आप देखें ईस्ट MP, विदर्भ, तेलंगाना, CAP, ईस्ट UP, झारखंड में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी डे टू में भी रेनफॉल देखने को मिलेगी, और मेघालय और पूरा जो त्रिपुरा मिजोरम वाला जो क्षेत्र है वहाँ भी हैवी रेनफॉल होने को संभावना है। और यानी मैं डे 3 की बात करूं 19 तारीख को, तो आप देखेंगे कि जो मूवमेंट था वो थोड़ा वेस्टवर्ड हुआ है, उसने वेस्ट MP को भी कवर कराया, तो पूरा एंटायर MP, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, और नॉर्थ ईस्ट में पूरे जो 7 स्टेट है वहाँ एक दो जगह पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और डे 4 में सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, तो आप देखेंगे पूरे सेंट्रल और ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहीं भी हैवी रेनफॉल की कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सातों स्टेट में आप देखेंगे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और अब मैं डे 5 की बात करूं, तो जो हमारा मानसून ट्रफ है तो उसका जो ईस्टर्न एंड जो लग रहा है थोड़ा साउथवर्ड आएगा, जिसके कारण इस वाले क्षेत्र में यानी उत्तराखंड, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं वहाँ मैंने बताया अगले 4-5 दिनों तो बारिश होगी, तो डे 5 में भी बारिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ और कोई ज़्यादा एडवर्स वेदर वार्निंग नहीं है पूरे कंट्री के लिए, और मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।